Coming to question number 5. Find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. Question में कहा गया है कि हमें सबसे छोटा number find करना है जिस number को add करने से एक perfect square वाला number आ जाए और हमें उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है. सो हमारा पार्ट फर्स्ट है 525. नाउ सबसे पहले हम 525 का स्क्वायर रूट निकालते हैं. सो 525 हमें क्या करना है, बार पुट करने हैं. सो 5 हमें यहाँ पे ऐसा स्क्वायर रखना है जो 5 से कम हो या 5 के इक्वल हो. तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 2 4 होगा और 3 3 9. सो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 2. सो 2 2 4. नाउ 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1. सेकेंड पेयर को नीचे ले आएंगे, दैट इज 25. और यहाँ पे हमें 2 को क्या करना है, ऐड करना है. सो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4. नाउ यहाँ पे आपको अब ऐसा नंबर रखना है जो 125 से कम हो या 125 के इक्वल हो. 41 इंटू 1 तो 41 होगा. सो 42 इंटू 2 करते हैं हम. 2 2 4 2 4 8. नाउ 43 इंटू 3 करके देखते हैं. 3 3 9 और 3 4 12. सो 129 तो 125 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 84. 2 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 84. नाउ 125 में से 84 को हम क्या कर देंगे, डिडक्ट. 5 में से 4 जाएगा 1 और 12 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 41. तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 41. तो जो हमारा 22 का स्क्वायर है वो 525 से ग्रेटर देन है. सो अब हम नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, दैट इज 23. सो 23 का स्क्वायर क्या होगा, 23 इंटू 23. 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, 9 12 1 5. सो हमारा 23 का स्क्वायर क्या है, 529. और हमारा नंबर क्या था, 525. तो हम 525 में क्या ऐड करेंगे कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए. Hence, number to be added equals to 529 minus 525. तो क्या आ जाएगा, 4. So, अगर हम 525 में 4 को add कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 529. और हमारा 529 किसका स्क्वायर रूट है, 23 का. नाउ कमिंग टू पार्ट सेकंड, 1750. सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं. सो 1750 सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार्स पुट कर देंगे. हमारा फर्स्ट पेयर है 17. तो अब हमें ऐसा परफेक्ट स्क्वायर देखना है जो 17 से कम हो या 17 के इक्वल हो. तो देखिए, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25. सो 25 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे, 4 का स्क्वायर. सो 4 4 और यहाँ पे आ जाएगा 16. नाउ आपको 17 में से 16 को डिडक्ट करना है, तो आ जाएगा आपका 1 और सेकंड पेयर को नीचे ले आइए, दैट इज 50. और यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 में 4 को एड करना है. सो 4 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 8. नाउ आपको ऐसा नंबर पुट करना है यहाँ पे जो 150 से कम आए या 150 के इक्वल आए. सो हम करके देख लेते हैं. 82 इंटू 2 करके देखते हैं. 2 2 4, 8 2 16. तो ये तो ज्यादा हो जाएगा. सो हम क्या करेंगे, 81 इंटू 1 करेंगे, दैट इज 81. सो यहाँ पे मैं 1 पुट कर देती हूँ, यहाँ पे भी 1. सो आ जाएगा 81. नाउ इसको डिडक्ट कर देंगे,
10 में से बन जाएगा 9 और 14 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 6. सो हमारा रिमाइंडर क्या आया? 69. सो 1750 जो है वो 41 के स्क्वायर से ग्रेटर है. तो अब हम नेक्स्ट वाला नंबर देखते हैं, दैट इज 42. नाउ अब हम 42 का स्क्वायर कर लेते हैं. सो 42 इंटू 42. सो 2 टू जा 4, 2 फोर जा 8, 4 टू जा 8, 4 फोर जा 16. सो 4, 8 और 8, 16, 1, सो 7, 1. तो हमारा 42 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1764. और हमारा नंबर क्या है? 1750. सो हम इसमें कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए? हेंस नंबर टू बी एडेड इक्वल्स टू 1764 माइनस 1750. सो अगर हम 1764 में से 1750 को माइनस कर दें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा. जब हम 1764 में से 1750 को माइनस करेंगे तो आएगा 14. देयरफॉर 1750 प्लस 14 जो कि होगा 1764, और 1764 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है. किसका स्क्वायर है 1764? 42 का. नाउ कमिंग टू पार्ट 3, दैट इज 252. नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं. सबसे पहले हम बार पुट कर लेते हैं. सो फर्स्ट डिजिट क्या है हमारी? 2. अब हमें यहाँ पे ऐसा परफेक्ट स्क्वायर लेना है जो 2 के इक्वल हो या 2 से कम हो. सो 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा. सो हम ये नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? 1. सो 1 इंटू 1 दैट इज 1. 2 में से 1 को डिडक्ट कर देंगे तो आएगा 1. नेक्स्ट पेयर हम नीचे ले आएंगे, दैट इज 52. 1 में 1 को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2. नाउ अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर पुट करना है जो 152 से कम हो या 152 के इक्वल हो. सो अगर मैं 22 इंटू 2 करती हूँ, सो 2 टू जा क्या होगा? 4. 2 टू जा 4, ये 152 से कम हो जाएगा. देन 23 इंटू 3, सो 3 थ्री जा 9, 3 टू जा 6, ये भी कम है. सो 24 इंटू 4 करके देखते हैं, 4 फोर जा 16, 4 टू जा 8 और 1 9. देन 25 इंटू 5 करते हैं, 5 फाइव जा 25, 5 टू जा 10 और 2 12. देन 26 इंटू 6 करते हैं, 6 सिक्स जा 36, 6 टू जा 12, 12 और 3 15. अगर मैं यहाँ पे 6 पुट करूंगी तो वो 156 आएगा जो 152 से ज्यादा होगा. सो मेरे को 6 नहीं पुट करना, उससे कम क्या है? 5. सो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगी? 5. सो 25 इंटू 5 आ जाएगा 125. नाउ आप इसमें से इसको डिडक्ट कर दीजिए, 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7. 4 में से 2 जाएंगे तो 2. सो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 27. जो 252 है वो 15 के स्क्वायर से ग्रेटर देन है. तो अब हम नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे. नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? 16. सो 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 6 सिक्स जा 36, 6 वन जा 6 और 3 9, 1 सिक्स जा 6, 1 वन जा 1. सो 6, 9 और 6 कितने हो जाएंगे? 15 और 1, सो 2. सो 16 का स्क्वायर कितना आएगा? 256. हेंस नंबर टू बी एडेड 256 माइनस
252। सो कितना आ जाएगा हमारा 4। देयरफॉर अगर हम 252 में 4 को ऐड कर देंगे तो जो हमारा नंबर आएगा दैट इज 256, और जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, 256 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 16 का। सो हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे, 4। नाउ कमिंग टू पार्ट 4, 1825। सबसे पहले हमें बार पुट करने हैं। नाउ अब हमें यहाँ पे ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है जो 18 से कम हो या 18 के इक्वल हो। सो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। सो 25 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे, 16। 4 दैट इज 16। अब हम 18 में से 16 को डिडक्ट कर देंगे, 8 में से 6 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0। अब हम नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आते हैं, दैट इज 25, और यहाँ पे हमें 4 को क्या कर देना है, 4 में 4 को ऐड कर देना है। सो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। नाउ अब आपको यहाँ पे ऐसा नंबर पुट करना है जो 225 से कम हो या 225 के इक्वल हो। सो अगर हम मैं 81 इंटू 81 करूंगी तो 81 ही आएगा, और मैं 82 इंटू 2 करके देखती हूँ, 2 2 4, 8 2 16। नाउ 83 इंटू 3 करते हैं, 3 3 9, 8 3 24। सो 249 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 164। सो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए और यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 164। 5 में से 4 जाएंगे 1, 12 में से 6 जाएंगे 6, और 1 में से 1 जाएंगे सो 0। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 61। दैट मीन्स जो 1825 है वो 42 के स्क्वायर से ग्रेटर देन है। तो अब हमें इसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है, दैट इज 43। सो 43 इंटू 43 कितना होगा, 3 3 9, 3 4 12, देन 4 3 12, 1 कैरी, 4 4 16, और 1 17, 9 2 2 4, 7 1 8, और 1। सो हमारा 43 का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 1849। हेंस नंबर टू बी एडेड -1825। जब हम 1849 में से 1825 को डिडक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 24। सो अगर हम 24 को 1825 में ऐड कर दें तो जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा वो आ जाएगा। देयरफॉर 1825 प्लस 24 दैट इज 1849, और 1849 हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 43 का। नाउ कमिंग टू पार्ट 5, 6 4 1 2। नाउ 6 4 1 2 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। पेयर बना लीजिए आप, 1 पेयर 2 पेयर। नाउ अब हमें यहाँ पे कौन सा नंबर रखना है, या तो वो 64 के इक्वल हो या वो 64 से कम हो। सो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64,
और हमें 64 चाहिए, सो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 8। सो 8 जा कितना हो जाएगा, 64 में से 64 को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0। सेकेंड पेयर को ले आते हैं, दैट इज 12, और यहाँ पे 8 में 8 को हम ऐड कर देंगे, सो 8 और 8 हो जाएंगे 16। नाउ अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगी, सो 161 इंटू 1 तो 161 ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो है 12, सो मुझे उससे कम रखना है, तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकती हूँ, 0। 160 इंटू 0 तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब इसमें से मैं इसको डिडक्ट कर दूंगी, सो 2 1, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सो 6 4 1 2 80 के स्क्वायर से ग्रेटर देन है, तो अब मुझे इसके बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर लेना होगा, दैट इज 81। सो 81 इंटू 81 कितना होगा, 1 इंटू 1 1 8 जा 8, 8 1 जा 8 8 8 जा 64। सो 1 8 और 8 16 4 1 5 और 6 कितना आ जाएगा, 6 5 6 1। हैंस नंबर टू बी एडेड सिक्स फाइव सिक्स वन माइनस 6 4 1 2। सो 6 5 6 1 में से अगर हम 6 4 1 2 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 149। देयरफॉर 6 4 1 2 एड 149, सो इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 6 5 6 1। 6 5 6 1 किसका स्क्वायर रूट है, 81 का।